तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं राहुल चौहान आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से, अपने कंप्यूटर से अपने प्लॉट या खेत या मकान की ओरिजिनल रजिस्ट्री कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये ज़मीन बिल्कुल सही है और आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ओरिजिनल रजिस्ट्री कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको आ जाना है न्यू टैब पर। हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ब्राउजर में लिख लेना है IGRS UP। ठीक है, और एंटर कर देते हैं। IGRS UP करके यहाँ पर होम पेज को ओपन कर लेना है। ये होम पेज ओपन हो गया है। यहाँ से प्रवेश करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर संपत्ति पंजीकरण वाले ऑप्शन में जा करके और संपत्ति खोजे पर में क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे संपत्ति खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, इन सबको एक एक करके मैं समझा देता हूँ कैसे आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर संपत्ति का पता। ठीक है, संपत्ति का पता से मतलब है आप संपत्ति के एड्रेस डाल करके और सर्च कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर आगे एक कंडीशन दी गई है 5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत विलेखों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो 2017 से पहले जो रजिस्ट्री हुई हैं उनको आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे। ठीक है, आपको जो भी सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो वन बाई वन सारे टॉपिक्स को मैं आपको समझा देता हूँ, इन सभी को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ये टॉपिक आप क्लियर नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी रजिस्ट्री को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद। ठीक है, अगर आपको एड्रेस पता है संपत्ति का और 5 दिसंबर 2017 के बाद की रजिस्ट्री है तो आप इस वाले ऑप्शन से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर दिया गया है पंजीकृत संख्या एवं पंजीकृत दिनांक। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है और डेट है तो आप उससे सर्च कर सकते हैं रजिस्ट्री को। इसके अलावा यहाँ पर क्रेता के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि जो खरीद क्रेता जो खरीदने वाला है उनका नाम अगर आपको पता है तो इससे आप सर्च कर पाएंगे। विक्रेता का नाम, यानी कि जो विक्रेता हैं बेचने वाले हैं उनके नाम से यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। यहाँ पर ओनली 2017 से पहले की रजिस्ट्री आप डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेता का नाम 2017 व उसके बाद। ठीक है, तो 2017 के बाद की रजिस्ट्री यहाँ से क्रेता के नाम द्वारा सर्च कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विक्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 के बाद। ठीक है, तो हम विक्रेता के नाम से भी निकाल के दिखाते हैं आपको रजिस्ट्री। इस पर मैंने क्लिक कर लिया है और यहाँ पर अपना जनपद चूज कर लेना है आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर कानपुर नगर चूज कर लिया है और यहाँ पर विक्रेता का नाम, तो विक्रेता का नाम मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद में तहसील यहाँ पर चूज कर लेना है आपको अपनी। सदर चतुर्थ यहाँ पर तहसील में चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर गांव अपना चूज कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्री का वर्ष चूज करना है। यहाँ पर मैंने वर्ष चूज कर लिया, फिर यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। ठीक है, और विवरण देखें पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सारी डिटेल ओपन होकर के आ गई है। ठीक है, यहाँ पर पक्षकार का नाम आ जाएगा, यानी कि आपने रजिस्ट्री करवाई हुई है तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, और विक्रेता क्रेता सभी के नाम यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में रजिस्ट्री को डाउनलोड करने के लिए स्कैनेट लेख पत्र देखें, यहाँ पर चयन करें, ये ब्लू कलर से लिंक आ रही है, इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्री डाउनलोड होने लगेगी। ठीक है, इस तरह से आप फ़ोन पर भी अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर रजिस्ट्री डाउनलोड हो चुकी है और सारे स्टैम्प पेपर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड करके इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यह है बहुत आसान सा तरीका, आप ओरिजिनल रजिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको रजिस्ट्री डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।